आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, यूपी चुनाव में बीजेपी की हार तय, कमल के बूथों पर नाचेंगे भूत। कुमार विश्वास की सुरक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग कर रहा गृह मंत्रालय, केजरीवाल को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्र कैद। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे के बाद T20 सीरीज फतह करने की जुगत में भारत। कोरोना के मामले में 48,000 से ज्यादा गिरावट, 492 लोगों की मौत, 66,254 हुए रिकवर। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बलिया में मुख्तार अंसारी के बेटे को सुभाषपा से चुनाव लड़ाने पर बीजेपी नेता एवं बासजी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केतव सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेत्री ने कहा है कि मुख्तार अंसारी वो समय में आम जनमानस सहित राजभर समाज का भी शोषण हुआ है, इसके बाद भी मुख्तार के बेटे को टिकट देकर ओम प्रकाश राजभर ने यह संदेश देना चाहते हैं कि वो जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं जनता वोट देकर उन्हें जवाब देगी। उनके उनके काल में जनता का कितना शोषण हुआ, आम जनता का, आम जनमानस का, जिसमें राजभर समाज भी था, इतना शोषण हुआ, उसके बाद उनके पुत्र को देना, यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं और ये किस तरह की सरकार चलाएंगे, यह गरीब समझ रहा है। आए तो ये 3 तारीख को गरीब ने ठान लिया है कि मतपेटिका में इनकी विदाई हम लोग लिख कर और भेजेंगे यहाँ से। फर्रुखाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का महापरिवर्तन रैली का आयोजन हुआ, जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी भारी भीड़ एकत्रित करने की बात से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उनका परिवार दशकों से जनता की सेवा करता चला आ रहा है, लेकिन उनकी जगह पर जहाँ प्रत्याशी सपा ने उतारा है वह किसी दूसरे का मोहरा बना है। मिर्जापुर में सपा प्रत्याशी के साथ गठबंधन के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, एक ही सीट से 2 प्रत्याशियों के नामांकन से कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल रहा है। मझुआ से रोहित शुक्ला ने नामांकन किया, वहीं सपा से पहले दामोदर मौर्य नामांकन कर चुके हैं। सपा ने एक विधानसभा से 2 प्रत्याशी के नामांकन करने से गुटबाजी बढ़ी है। दामोदर मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने के लिए तमाम प्रकार के नेताओं को साथ में अपने रख रहे हैं, उसी में हमारे एक साथी को टिकट दे दिया गया था, क्योंकि चुनाव होता है जीतने के लिए, तो जैसा समीकरण बना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग को चुनाव में उतारा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवाद के बंधु से बने हैं, हमारे साथ नौजवान हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हम लोग निश्चय ही सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार 300 यूनिट बिजली जिस उस गरीब माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चों को जो 500 रुपये का 10,000 का मोबाइल नहीं दिला पाते थे, उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो लैपटॉप देंगे। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर, मैं पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा हूँ, कोई मुझसे शर्त लगा लें, मैं पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा हूँ। खबर बांदा से है जहां पुलिस अधिकारी के साथ एडीजी प्रेम प्रकाश ने चुनाव और अपराध संबंधी समीक्षा बैठक की। बता दें अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने पुलिस लाइन में सारे राजपत्रित अधिकारियों के साथ आगामी चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। प्रिवेंटिव कार्रवाइयां चल रही हैं, उनकी समीक्षा की गई जिसमें सभी क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी और तथा आईजी रेंज उसमें मौजूद रहे। जो डेली की जो कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई हैं, इसमें यहाँ गांजा भी पकड़ा गया, स्मैक की बरामदगी हुई और उसके साथ ही असला फैक्ट्री एक बड़ी पकड़ी गई है। जितने भी यहाँ हमारे असले थे उसमें से 95% असला जमा करा दिए गए हैं।
और जो पाबंद कराने की कार्रवाई है 20,000 से अधिक व्यक्तियों को इसमें पाबंद कराया गया, और ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ या तो कोई मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं या पूर्व में। खबर बांदा से है जहां मामूली सी कहा सुनी में युवक ने पीड़ित को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें पीड़ित के गले पर ब्लेड से 3 वार किए गए जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर घायल युवक के दोस्तों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी भी एक मामला आया था ब्लेड का, मानने का क्या मामला था? अभी करीब 5:30 बजे बिगुल सना बिने जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है, साहेबपुर वाली सिविल लाइन्स के रहने वाले हैं, किसी ने गर्दन पर ब्लेड से घाव कर दिया था, जिनका इलाज किया जा रहा है, भर्ती करके इलाज किया जा रहा है, हालत उनकी स्थिर, उनकी हालत स्थिर। क्या नाम है तुम्हारा? बिगुल सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले हो? इंद्रनगर। इंद्रनगर, ये बताओ क्या बात को लेकर झगड़ा हुआ था, किसने मारी थी ब्लेड? थोड़ी हल्की सी बात हो गई थी हमारी, आपसी झगड़ा था, इसके बाद हम जा रहे थे घर अपने, इसके बाद उस लड़के का नाम मुझे नहीं पता, तो आने से मुझे बोल रहे चलती आप हमारे साथ घर चलिए, इसके बाद उसने 3 बार मेरे गले ब्लेड मार दी। अच्छा, कौन है ये लड़का, नाम जानते हो? नाम तो मैं नहीं जानता। कहाँ का रहने वाला है? या मेरे मोहल्ले का ही है। तुम्हारे मोहल्ले ही का है? तो विवाद क्या था, विवाद किस बात को लेकर हुआ? तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। दरअसल यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों में 69 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए आज यानी शुक्रवार शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में यूपी में सभी सियासी दिग्गज आज सूबे की विधानसभा सीटों पर अपना दम दिखाएंगे। तीसरे चरण के मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह में दूसरी बार कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कानपुर देहात के सिकंदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल सिंह के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्षेत्र में राजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी। तीसरे चरण के प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले यहां की स्थिति क्या थी, तब दंगे हो जाते थे, पता नहीं चलता, बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, अराजकता का माहौल था, माताएं भी बाजार नहीं जाती थी, नौजवान बेरोजगार थे, किसान और गरीब भुखमरी के शिकार थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की ओर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के ट्वीट की फोटो ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है कि जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के पुलिये बांध रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने बनवाया था। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार हर सीट पर मुकाबला रोचक है। मऊ सदर सीट पर भी घमासान बढ़ता जा रहा है। सदर सीट से सपा और सुभाषपा के गठबंधन से प्रत्याशी एवं विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन में गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने कलेक्ट्रेट में 2 सेट में नामांकन किया। अब्बास अंसारी ने प्रशासन पर प्रचार के दौरान एक तरफा कार्यवाही का आरोप भी लगाया और इसकी शिकायत आरओ से करते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस दौरान अब्बास ने कहा कि इन सभी का असर आने वाले 7 मार्च को पड़ेगा। आप जनता को बटन दबाने से नहीं रोक सकते। अभी 18 दिन बचे हैं और मुकदमों के डर से आवाम और बुनकरों की आवाज उठाने से पीछे नहीं रहूंगा। इंतजार था कुछ चीजों का, वो चीजें जिस तरह से सोचा गया था नहीं हो पाई, तो आज फिर जो बचा हुआ 2 सेट था उसका भी नामांकन कर दिया है। सत्ता और सरकार जान रही है कि मऊ सदर सीट उनके हाथ से निकल चुकी है और हमेशा की तरह 6वीं बार भी यहाँ पर भाजपा और अन्य दलों को शिकस्त मिलने वाली है। इसलिए साजिशों का दौर है, तरह तरह की साजिशें करके
रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नामांकन ही ना हो पाए। इन्हीं सब वजहों से एक एज अ प्रिकॉशनरी वो हम लोगों ने दो सेट में आज पर्चा दाखिला और भी कर दिया है। टोटल आपने कितने सेट में किया है? चार सेट में पर्चा दाखिला। क्या पहले दो सेट में? थोड़ी बहुत जो नॉर्मली जो होती हैं वो थी, और कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां निकाली जाती हैं, कुछ कमियां पैदा कर दी। खबर औरैया से है, जहां चुनाव ड्यूटी पर शाहजहांपुर से झांसी जनपद के लिए जा रहे जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित बस खंबे से जा टकराई। इस हादसे में बस सवार जवान पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस के जवान अमित पाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वो लोग शाहजहांपुर से झांसी इलेक्शन कराने जा रहे थे। देवकली चौकी के पास बस के ब्रेक फेल हो जाने से दुर्घटना हुई। फिलहाल सभी पुलिस के जवान सुरक्षित हैं। नाम है आपका? नाम अमित पाल। नाम बस एक्सीडेंट में क्या हादसा कैसे हुआ? बस हम लोग जनपद शाहजहांपुर के पुलिस हैं और झांसी इलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, तो यहीं पर रास्ते में जो है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की, बस अगली सीट पर बैठा। ड्राइवर ने काफ़ी बचाने की कोशिश की, काफ़ी बचाया, नहीं तो शायद कुछ ज़्यादा हानि हो सकती। नहीं कोई भय नहीं, सब लोग सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? धनपाल। और ये जनपद शाहजहांपुर डिपो बस एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पर कैसे हुआ? ये यहाँ से ब्रेक फेल हुए था तो गाड़ी आगे ट्रक जा रहा था, तो हमने जानबूझ के रोकने के चक्कर में ट्रक में मारी जाके। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये शाहजहांपुर से झांसी जा रही थी। शाहजहांपुर से झांसी कितने लोग बस में लगभग सवार थे? बस में लगभग 40 लोग होते हैं। 40 लोग किसी प्रकार की उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।